अभी बहुत सारे रील्स वायरल होते हैं कि जॉब नहीं है, इतनी सारी लंबी लंबी लाइनें हाँ लगी हुए हैं, तो वो लाइक उसकी उसकी रियलिटी क्या है, मीन्स उसके ऊपर लाइक जैसे 20 साल पहले, हाँ मीन्स 20 साल पहले बीस यही साल पहले सिचुएशन थी। ऐसी ये सिचुएशन, इसमें क्या नई बात है? आप भी आप कभी एक छोटे से ट्राई कर, कॉलेज टाउन में हो, रटगर्स पे स्काटरवे में है, हाँ आप वहाँ पे एक डंकन डोनट्स था, मुझे याद है वहाँ पे एक गुजराती भाई काम करते थे, आप जैसे मैंने वो बोला 10 गुजराती स्टूडेंट आए हुए हैं जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, सबको उस डंकन डोनट्स में जॉब चाहिए, लगेगी सबको 10 की नहीं लगेगी, मे बी 1 की लगेगी, हाँ 1 की अब बाकी 9 क्या है, देखो मुझे नहीं लगी जॉब, मे बी उनको अलग सिटी जाना पड़ेगा, राइट मे बी उनको ट्रेन राइट लेके जाना पड़ेगा 1 घंटा, एक घंटा हाँ, तो दैट्स ओके। तो ये तो हमेशा से हर जगह के अलग रिक्वायरमेंट है, हर जगह एक डिफरेंट एक्टिविटी है, हर जगह जॉब नहीं होती। सिमिलरली हमारी टीचिंग की जॉब्स निकलती थी, हाँ जैसे मैं टीए था तो हम पार्ट टाइम टीए भी लेते थे, टीचिंग असिस्टेंट, यस यस, उसमें से अगेन 20 बच्चों ने अप्लाई किया, दो हमें दो चाहिए, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, उसमें वो देखेंगे यार किसी ने अच्छा कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है पहले से, उसने कभी अच्छा अच्छे ग्रेड्स है, पढ़ा सकता है या मार्क कर सकता है, उसको 2 को मिल गई, बाकी को नहीं मिली। अब यू कैन नॉट से यार देखो मैं रटगर्स गया और मुझे जॉब नहीं दी रटगर्स वालों ने, सो वो पहले भी सच था, बट अगेन वो 2 में तो आप आइए ना, राइट राइट, आप अप्लाई तो करिए ना, घर आके तो कोई जॉब नहीं देगा, घर आके इंडिया में कोई जॉब नहीं दे रहा आपको, आप चाहे IIT से हो चाहे फलाना से हो, तो हर तो 20 साल पहले भी सच था, आज भी सच है, बट हाँ पहले हमारे पास इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी बेवकूफ़ी की चीज़ें नहीं थी। Hello guys, today we have an amazing guest from Canada, Mr. Saif Iqbal, and he is from Canada, we can say, and he has extensive experience in the abroad education industries as well as the sales and strategy marketing. So please welcome Saif sir, and for Saif sir, he is my mentor as well for in abroad education journey. So today we सैफ सर से बात करेंगे डिफरेंट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, कि उन्होंने इंडिया से में भी पढ़ाई की है, US में भी पढ़ाई की है, अभी वो कनाडा में सेटल है, तो वी विल इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो स्टूडेंट को बेनिफिट में रहेंगे और स्टूडेंट जर्नी में भी बेनिफिट रहेंगे आपके लिए। तो वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू दर्शन भाई, केम छो, मजा मा? बस मजा मा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये अवसर दिया मुझे, और हाँ मतलब मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, जो भी मैं मदद कर सकूँ स्टूडेंट्स को एक सही फैसला लेने में, तो अगेन मुझे बहुत खुशी होगी करने के लिए। यस, तो सर आप बताइए, आपके आपके बारे में कुछ बताइए कि आपकी जर्नी कैसी थी, आपने कहाँ से एजुकेशन की और अभी आप क्या कर रहे हो? मतलब एक जर्नी बहुत लंबी थी, लेकिन मैं बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बताना चाहता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी थी IIT रुड़की से काफ़ी साल पहले, और उसके बाद जब मैं वहाँ पे था, ये 2000 की बात है, तो मेरे काफ़ी सीनियर US जाते थे पढ़ने के लिए उस टाइम पे, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था जब मैं गया था जर्नी के लिए, और तब सच बताऊँ तो इतने अच्छे पार्टनर्स और मेंटर्स दर्शन DBBD की तरह भी नहीं होते थे, तो आपके सीनियर्स आपकी काफ़ी मदद करते थे, तो उन्होंने yes, बोला भाई GRE एक एग्ज़ाम होता है, आप GRE दीजिए, राइट, TOEFL दीजिए आप जाके, यस, तब होम बेस टाइप की चीज़ भी नहीं होती, तो मुझे याद है मैं गया था दिल्ली में नेहरू प्लेस में एक सेंटर था ETS का, वहाँ जाके GRE दिया था मैंने थर्ड ईयर में, बट एनीवेज अगर संक्षेप में बताऊँ कि तो मैंने GRE दिया, सीनियर्स थे जो ऑलरेडी US में पढ़ रहे थे, उन्होंने बताया फला फला जगह पर अप्लाई करिए, जब मैं ग्रेजुएट किया मैंने अप्लाई किया, और मैं केमिकल इंजीनियरिंग से किया था, तो मैंने मेरा पेन स्टेट से एडमिशन आ गया था मास्टर्स में, और लेकिन तब मुझे लगा कि मुझे कंप्यूटर साइंस से बहुत इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी में, तो मैंने कहा, तब मेरी एक जॉब लगी थी दिल्ली में एक US की कंपनी में, तो मैंने कहा फिर मैं जॉब के लिए चला जाता हूँ, तो मैंने 2 साल जॉब करी और फिर मैंने अप्लाई किया कंप्यूटर साइंस में, तो मुझे फिर 2-3 जगह से अगेन सीनियर्स ने काफ़ी हेल्प करी, इतना कोई गाइडेंस होता नहीं था, इंटरनेट भी इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे, डायलॉग होता सही, था सही बात है, तो खैर 2-3 जगह से आ गया, और मुझे एक जगह से रटगर्स यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी से फुल स्कॉलरशिप आ गई थी, टीचिंग असिस्टेंटशिप आ गई थी, तो फिर मैं रटगर्स में एडमिशन लिया था मास्टर्स कंप्यूटर साइंस के लिए। तो अगेन अगर संक्षेप में बताऊँ कि आपके जर्नी में एजुकेशन में मेंटर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो आपके एजेंट बोल लीजिए, फ्रेंड्स बोल लीजिए, फैमिली बोल दीजिए, तो मेंटर्स आपको जितनी भी नॉलेज हो, और आजकल तो टिकटॉक और इंस्टाग्राम बहुत नॉलेज आ ही रही है, लेकिन पीपल जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं जिन्होंने किया होता है उसको आप उसको मैच करना बहुत मुश्किल होता है, राइट,
तो सर आप इसमें ऐसा बता सकते हो कि आपने एक्सपीरियंस करने के बाद एब्रॉड जाना चाहिए या आप फ्रेशर्स हो तो भी एब्रॉड जाना चाहिए? आई थिंक दोनों तरीके, जैसे मैंने कहा मैंने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अप्लाई कर दिया था और अगेन यूएस में तो स्पेसिफिकली ये है और अब आप कनाडा में भी देखेंगे और बाकी जगह देखेंगे कि आपको अप्लाई पहले करना पड़ता है। जैसे सेप्टेम्बर फॉल के लिए मैंने दिसंबर तक एप्लीकेशंस डाल दी थी जब मैं पढ़ रहा था, राइट एसओपी भी लिखा उस टाइम, तो मेल करनी पड़ती थी आपको एप्लीकेशन, ऑनलाइन पेपर एप्लीकेशन था, तो जीआरई मैंने थर्ड ईयर में दे दिया था। राइट तो अगेन दोनों चीजें बिल्कुल सही है। अगर आप फ्रेशर है और आपको लग रहा है आप जरा क्लियर है और आपको कोर्स भी अच्छा लग रहा है और आज के दिन यूएस कनाडा जहाँ भी आप देखो ऑप्शन बहुत अच्छे है, तो आप फॉरन अप्लाई करें। बट अगर आपको लगता है कि आपको कुछ जैसे सेविंग्स करनी है, कुछ वर्क एक्सपीरियंस लेना है, वर्क एक्सपीरियंस आपको इसलिए हेल्प करता है कि आप जरा और मैच्योर हो जाते हैं जाने से पहले। सही बात है। दूसरा आप जब वहाँ पे जाएंगे और आपकी सेम फील्ड में अगर आप जब मास्टर्स के बाद आप जॉब ढूंढेंगे तो आपके लिए ज़रा सी आसानी हो जाएगी क्योंकि आप अपने आप को ज़रा सा डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। राइट जो मेरे केस में हुआ था वीकेंड। सो दोनों केसेस बिल्कुल लेजिटिमेट है, बट अगेन दोनों केस में आपको ज़रा अप्लाई पहले जल्दी करना चाहिए, सही कोर्सेज में अप्लाई करना चाहिए, सही स्कूलों में अप्लाई करना चाहिए और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए। सही बात है। तो सर आपने रटगर्स में से मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया, तो वो जर्नी के बारे में बताइए, बिकॉज 2001 का टाइम था जहाँ पे तो जॉब कैसे करना है, क्या करना है वो कुछ पता नहीं था और लाइक स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी उस टाइम, तो अभी से तो कम प्रॉब्लम हो रही थी क्या, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी? इसमें दो बात है, जैसा कि मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊँ, मेरे फादर एक इलाहाबाद के एक एरिया है प्रतापगढ़, जहाँ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह स्वर्गीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, तो एक वहाँ के एक छोटा सा ज़िला है भारतगंज, वहाँ से थे और क्लास नाइन्थ में वो आए, उनके हमारे जो दादा थे वो GICI गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद लेके आए कि वहाँ पे पढ़ाई के लिए। और 9-10 मेरे फादर में क्या, वो अपने मेरे ख्याल से यूपी के टॉपर थे शायद यूपी बोर्ड से। ओके ग्रेट। और फिर वो भी रुड़की के पढ़े हुए हैं बाय द वे। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हर जनरेशन में होता है, आप चाहे इंडिया में हो या आप बाहर जाए, फर्स्ट जनरेशन के लिए आसान नहीं होता है। अगर आप भारतगंज से इलाहाबाद आ रहे हैं, आप सिविल लाइंस के पॉश एरिया में आपका घर नहीं होगा। यस सही बात है। आपके पास कह रहे तो बहुत 70s की बात बता रहा हूँ, गाड़ी तो क्या है, साइकिल भी नहीं होगी। राइट। सिमिलरली जब हम, जैसे मैं तो खैर रुड़की गया, जैसे मेरी बहन दिल्ली में पढ़ी हुई है LSR की और जामिया की, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं होगा कि आप फर्स्ट जनरेशन, आप इलाहाबाद से, अब हम हमारी जनरेशन दिल्ली मूव करी है, आपको हर सारे प्रिविलेजेस होंगे और आप गाड़ी में जाएंगे। मैंने भी, जैसे मैं रुड़की में था, मैं मुझे याद है मैं ISBT से बस, लोधी कॉलोनी से ISBT बस लेता था, वहाँ से मैं यूपी रोडवेज की बस लेता था, 5 घंटे लगते थे। सही बात है। तो सिमिलरली जब आप US जाएंगे या फिर आप कनाडा जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, आप फर्स्ट जनरेशन स्पेशली जब आप हो तो आपको स्ट्रगल तो होगी ही, इसमें कोई नई बात है नहीं। हमारे बाप दादाओं के साथ भी स्ट्रगल रही, अंदर से आप खानदानी रही से वो अलग बात है, लेकिन हमेशा हर आदमी के साथ ही रहती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन ज़रा डिफरेंट है। मैं कहीं क्विकली आपको एग्जांपल देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए समझना, क्योंकि आप आजकल बातें करते हैं कि बहुत मुश्किल है, स्ट्रगल है ये। यस, कि उनको तुरंत जाके ही जॉब लेना है ऑन कैंपस, ऑन कैंपस। अगेन तो उसमें अब मैं एग्जांपल अपना देता हूँ कि मैं था, मेरे एक और IIT रुड़की का मेरा दोस्त था, दो IIT खड़गपुर के लड़के थे, हम चार लोग, सबके पास स्कॉलरशिप थी, हम एक बेडरूम के अपार्टमेंट में रहते थे न्यूजर्सी में। ओके। स्कॉलरशिप के बाद, क्योंकि और मुझे याद है मैं और मेरे रूममेट जॉय जो कलकत्ता से, हम लोग मैट्रेस पे ड्राइंग रूम में सोते थे। ओके। सबका स्कॉलरशिप थी, गाड़ी किसी के पास भी नहीं थी, बिकॉज स्कॉलरशिप विल ओनली टेक यू सो मच। यस। तो उसमें आप कहो कि यार आप देखो चार लड़के एक रूम में रह रहे हैं, तो विच इज अ फैक्ट, और ये 20 साल पहले भी ट्रू था, आज भी ट्रू है। सही बात। सिमिलरली मुझे याद है मैं पहली बार मैंने इंट्रैक्शन किया गुजरात के लड़कों के साथ, मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्योंकि उनमें से काफी लोगों का स्कॉलरशिप भी नहीं थी, तो मतलब वो अपनी जॉब ढूंढ के करते थे। मुझे अभी भी याद है सिमिलर एक बेडरूम अपार्टमेंट में 10 से 12 लड़के रहते थे गुजरात के। और मुझे याद है हम कभी उनके यहाँ मैच देखने आते थे, तब इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हो रही थी, तो हमने एक तब वो केबल ले रखा था, क्या ले रखा था, और वो लोग खाना भी पकाते थे एक टाइम पे, फिर वो रहते भी थे, जॉब भी करते थे, पढ़ते भी थे। उनमें से मैं एक बताऊँ, उनमें से एक लड़का आज के दिन जो मेरा बैचमेट था, स्कॉलरशिप नहीं थी, YouTube पे जो कमेंट्स आते हैं उसका वो प्रोडक्ट हेड है गूगल का ग्लोबल। ओके ग्रेट। जो बंदा 12 लोगों के साथ रहता था 20 साल पहले। राइट। तो अगेन तो कहना, अगेन गोइंग बैक, आप कोई भी फर्स्ट जनरेशन कहीं भी जाती है, स्ट्रगल तो होती है। आप स्ट्रगल बोलो, मेहनत बोलो, मशक्कत बोलो, तपस्या कह लो, बट ये है इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता। ये स्कॉलरशिप जो मैं बता रहा हूँ हम लोग के पास ही, हम लोग भी फाइट मारते थे। हम पहली गाड़ी मैंने तब ली जब मेरी पहली जॉब लगी, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, वो भी सेकंड हैंड ली मैंने।
तो हमें ये क्लियर होना चाहिए, मुश्किल या फिर आप जो भी कह लो, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस सबको होना होता है. इसमें कोई पहले 20 साल पहले भी ट्रू था, 50 साल पहले भी बात सही थी. सही बात है. तो दैट मीन्स कि कोई भी बच्चा इधर से एब्रॉड एजुकेशन के लिए जा रहा है तो उसको तो स्ट्रगल होने ही वाली है, तो वो माइंडसेट लेके ही चले. मुझे स्ट्रगल को बड़ा अच्छा ही लगता है. मुझे लगता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी. यस मींस मेहनत करनी पड़ेगी, हसल करनी पड़ेगी. आपको हसल करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा. एंड अगेन गुड पार्ट ये है कि आज के दिन पे तो बहुत इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कैसे करना है, कैसे नेविगेट करना है, क्या करना है. तो आज के दिन तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है. यस सही बात है. पहले तो ईमेल पे चलता था, आज के दिन तो आप गूगल करो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या है, क्या हो रहा है. राइट नाउ एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर. ऑन योर थिंग द माइंडसेट होना इंपॉर्टेंट जरूरी है. एंड बट ये है, बट सो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर है तो देन जर्नी इज मच स्मूथ. तो कैन यू टेल मी अबाउट योर एमबीए डिग्री, समथिंग अबाउट दैट, एंड देन हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, लाइक द एम्प्लॉयमेंट जर्नी एंड हाउ यू रीच टू दिस पोजीशन. हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि अगेन एक्सपीरियंस होता था, बहुत ज़रा आसानी हो जाती है. एंड अगेन यूएस का सिस्टम, ये कनाडा का भी सिस्टम बहुत डिफरेंट है. यहाँ से आप टॉप यूनिवर्सिटीज भी करेंगे, आपको कैंपस कंपनीज नहीं आएंगी यूजली. क्या आओ हमारे पास चलो, मतलब समटाइम्स दे माइट. राइट. सो आपको अपने आप ही अप्लाई करना पड़ेगा. अगेन आपका जो नेटवर्क है, या आपने इंटर्नशिप करनी हो या मिले हो आप लोगों से, लिंक्डइन, अब तो लिंक्डइन बहुत आसान है. राइट. तो आपको अपने आप ढूंढना पड़ेगा. तो अगेन वो इम्पोर्टेंट है कि आप खुद मेहनत करें, खुद ढूंढे, खुद करें. राइट. परोस के कुछ भी नहीं मिलता है. या मीन्स तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आई थिंक जॉब के लिए या कुछ किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ना है तो उनको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा ना, कि स्किल बिल्ड करनी पड़ेगी या. हाँ, ये अच्छा सवाल है कि अगेन एक तो होता है, हाँ एक तो होता है कि आपकी पढ़ाई हो गई, बट दूसरा आपकी पर्सनैलिटी हो गई, आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपका स्किल क्या है, आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हो. राइट. जैसे लोग कहते हैं कि अरे फलाना जॉब पे 100 लोगों ने अप्लाई करा, मैंने भी अप्लाई किया लेकिन नहीं आया. बट अगर आपके और 99 रिज्यूमे में फर्क नहीं है तो क्या क्यों मिलेगी आपको स्पेशल? तो नहीं. सही बात. एट द सेम टाइम एक जॉब तो अवेलेबल है. राइट. आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई एम बेटर देन 99 लोगों से बेहतर हूँ. सही बात. तो जो दर्शन कह रहे हैं कि आपका पढ़ाई के अलावा आपकी पर्सनैलिटी, स्किल, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल एजुकेशन में ये बड़ा अच्छा हो जाता है अगर आप करना चाहे तो. राइट. अगर आप जाएंगे अच्छी यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में, यूएस, कनाडा, यूके, जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे, मतलब जैसे इंडिया में भी है अच्छी यूनिवर्सिटी, आप डी यू चले जाए, बट ज़्यादा जगहों पर नहीं है. बट अगर आप बाहर जाएंगे वहाँ क्लब्स होते हैं, राइट, कॉन्फ्रेंसेज होती है, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत है. लेकिन आपको घर बैठ के ही अगर टीवी और क्रिकेट देखना है तो नहीं होगा. राइट. आपको कंफर्ट जोन से निकल के लोगों से मिलना होगा, बात करनी होगी. तो करंटली आप बोल सकते हो कि कनाडा की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी और कनाडा की सबसे इनोवेटिव कंपनी, एडटेक कंपनी के आप हेड ऑफ सेल्स हो, तो उसके बारे में आप बताइए कि आपका डे टू डे वर्क क्या रहता है एडटेक के अंदर, और हाउ मेनी पीपल यू आर मैनेजिंग. तो लाइक वी कैन गेट टू नो मोर अबाउट दैट. हाँ नहीं, एक्चुअली वही मेरी जर्नी भी टेक्नोलॉजी स्टार्ट होके कहाँ का करके अब यहाँ पे आ गई. तो अप्लाई बोर्ड कनाडा की सबसे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है. हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और अप्लाई बोर्ड वर्क्स विद पार्टनर्स लाइक डी विविड और दर्शन भाई. एंड हमारा मिशन और विजन है कि हम कैसे स्टूडेंट्स को इनेबल करें स्टडी अब्रॉड करने में. तो हमारे जो फाउंडर है वो खुद इंटरनेशनल स्टूडेंट थे. बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट कितना बड़ा कंपनीज बना सकता है. राइट. तो उन्होंने स्टार्ट करी थी कंपनी के भाई क्लैरिटी नहीं है कि हज़ारों यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, प्रोग्राम्स है, हम कैसे डिसीजन लें, और हम जो हमारे मेंटर्स होते हैं जैसे दर्शन भाई है, कि उनको कैसे इनेबल करें कि आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. जैसे हमारे पास 2000 यूनिवर्सिटी पार्टनर्स, कॉलेजेस पार्टनर्स, हाई स्कूल पार्टनर्स है. तो जो अप्लाई बोर्ड वो कंपनी, वो एक प्लेटफॉर्म है टेक्नोलॉजी से. आप ई कॉमर्स आप देख लो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जोमेटो समझ लो कि हमारे पास यूनिवर्सिटी कॉलेज पार्टनर्स है. आप आइए, सर्च करिए, देखिए आप कहाँ पे क्वालिफाई करते हैं, आप हमारे थ्रू अप्लाई करिए, एंड देन हम आपको ऑफर देंगे. देन अगेन आप वीज़ा करिए, ट्यूशन डिपॉजिट करिए, एंड देन यू गो अब्रॉड. तो अगेन हम दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एड टेक में. और एंड अगेन हाँ, फ्रॉम मेरा पर्सपेक्टिव, मैं ऑब्वियसली एशिया सेल्स हेड करता हूँ अक्रॉस ऑल ऑफ एशिया. एंड हमारे पास ग्रेट टीम ऑफ सेल्स अकाउंट मैनेजर्स है, ऑलमोस्ट 300 लोग जो हमारे साथ काम करते हैं. एंड ऑफ कोर्स वी वर्क विद thousands of partners across this whole thing. So I'm again, also part of a big journey with Apple. And agar, our, as I said, our mission is any student, कहीं भी वो जाना चाहे. अभी तो हम UK, US, Australia, Canada, Ireland ये करते हैं destinations, but any destinations में
कहीं भी अगर अप्लाई करना चाहे तो प्रोसेस बहुत स्मूथ ट्रांसपेरेंट हो और दे कैन मेक अ गुड डिसीजन फॉर देयर एजुकेशन एंड करियर. जनरली हमने देखा है कि अब्रॉड एजुकेशन के अंदर अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग जनरली वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं. सही. मींस दे ऑलवेज वांट टू स्टे विद देयर कम्युनिटी. हाँ. तो आप उसके बारे में बताइए ना कि वो चीज़ क्यों कर रहे हैं और उससे उनका फायदा नहीं हो रहा है. किसी सबको भी पता है बिकॉज दे आर नॉट इंक्रीजिंग देयर कम्युनिकेशन स्किल, दे आर नॉट बिल्डिंग द नेटवर्क. तो एक्चुअली आपने जब वहाँ पे पढ़ाई की रटगर्स के अंदर तो आपने अपने नेटवर्क कैसे बिल्ड किया? व्हाट आर द एक्टिविटीज यू वर डूइंग एट दैट टाइम? कि उस टाइम तो लिंक्डइन नहीं था. हाँ. तो अपने को तो सबको साथ मिलके ही काम करना पड़ता है और लाइक वी हैव टू गो डिफरेंट कम्युनिटीज कॉलेज की कम्युनिटीज में. हाँ. तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को इसके अंदर आप क्या बोल सकते हो? बिकॉज अभी सारे लोग ऐसा है कि कम्युनिटी में ही रह रहे हैं कि भाई मैं गुजराती हूँ तो आई विल स्टे इन गुजराती कम्युनिटी. तो फिर उनका नेक्स्ट टू और थ्री इयर्स के बाद आई हैव सीन कि देयर उनका कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है. नहीं, बिल्कुल सही. वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे इंडिया में भी आप गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी गए या आप कभी आई आई टी गए, वहाँ पे वैल्यू ये है कि आप अलग टाइप के लोगों से एक्सपीरियंस मिले. यस, वेरी गुड. तो आप कहीं भी आप पढ़े या आप कहीं भी जॉब भी करें, अगर तो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप जब सबसे पहले अगर आप जब सीनियर आप इवेंचुअली 10-15 साल में सीनियर लेवल पर जाएंगे, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका क्रॉस फंक्शनल रिलेशनशिप. क्रॉस फंक्शनल मतलब अगर आप चले आईटी वाले भी है, आप बिजनेस वाले से कैसे बात कर रहे हैं, आप एचआर वाले से कैसे बात कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपको शुरू में बिल्ड होता है. right. तो आप चाहे बाहर पढ़े आप इंडिया में पढ़े, आपका एक्सपीरियंस और लोगों से बात करना, अलग टाइप के लोगों से, अलग माइंडसेट के लोगों से, अलग पॉलिटिक्स वाले लोगों से भी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगेन अगर और इंडिया में मैं फिर भी कहूंगा कम अपॉर्चुनिटी है, अनलेस आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं. राइट. बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हर जगह से आते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. डोमेस्टिक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आता है, हर अलग तरीके से आता है. तो जो दर्शन कह रहे थे, आप अपॉर्चुनिटी रहती है आपको, अपने आप क्लब होते हैं, इवेंट्स होते हैं जहाँ आप जाए. एंड अगेन आपको अगर आपने वीज़ा इंटरव्यू निकाल लिया है या आपने मतलब अगर इतनी मेहनत करके आप पहुँच गए तो उसमें शर्माने की क्या बात है. सही बात है. एंड अगेन ऐसा कॉन्फिडेंस वाली बात होती है और उसमें तो आपको ही करना पड़ेगा. तो ऑप्शंस बहुत है, आप करने वाली बात है. तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि आई थिंक पीएमपी सर्टिफिकेशन है. तो आई थिंक मैंने देखा कि टोरंटो में पीएमपी बॉडी है जहाँ पे बहुत सारे पीएमपी सर्टिफाइड लोग इकट्ठा होते हैं. तो स्टूडेंट वहाँ पे भी जा सकते हैं, इट्स अ वॉलंटरी अपॉर्चुनिटी भी कर सकते हैं. तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी स्टूडेंट जाके कर सकते हैं. पीएमपी है, एपिक सर्टिफिकेशन है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी है. तो आई थिंक उनका एक वॉलंटरी इवेंट भी रहता है. तो आपका नेटवर्किंग बढ़ाना हो तो यू कैन गो दिस. आज के दिन में बहुत है, एक meetup.com के तो 50 हर तरीके तो मीटअप होते हैं. आपको एआई का मीटअप करना है कोई, आप चले जाइए, ग्रेट अपॉर्चुनिटी. एआई का मीटअप है, टेक टोरंटो करके, टेक टीओ करके, उनके टेक इवेंट्स होते हैं. आप $20-30 दीजिए, जाइए अटेंड करिए, आपको इंडस्ट्री के साथ लीडर मिल जाएंगे. कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको? शॉपिफाई $100 billion की कंपनी है कनाडा की. यस, वहाँ का सीईओ आता है वहाँ पे बात करना. ग्रेट, जाके बात कर लीजिए आप वहाँ पे, नेटवर्क करिए, दिखाइए, बात तो आपको सीखेंगे. जॉब नहीं मिलेगी शॉपिफाई में, बट लेकिन आपको दो आइडियाज तो आएंगे. नेटवर्किंग इज द बिगेस्ट थिंग राइट नाउ. नेटवर्किंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कह लीजिए और एक्सपोजर सबसे इंपॉर्टेंट होता है. बिगेस्ट थिंग, यस. और मिस अभी आप कनाडा में रह रहे हो तो कैन यू टेल मी समथिंग मोर अबाउट जो हॉट टॉपिक है. सब लोग बोल रहे हैं कि कनाडा में फूड की प्रॉब्लम है, कि फिर हाउसिंग की प्रॉब्लम है और जॉब्स की प्रॉब्लम है. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम और हसल तो रहने ही वाला है, बट व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन राइट नाउ? अगेन हर पर्सपेक्टिव मैंने आपको जैसे दिया कि मैंने वही कहा, जब भी फर्स्ट जनरेशन कहीं भी जाता है उसके लिए आसान नहीं होता. आसान है. राइट. और आप चाहे अगेन दिल्ली जाए, अहमदाबाद आए, आप छोटे टाउन गुजरात से, आपके लिए सेम चीज़ हर जगह रहेगी. जहाँ तक कनाडा की बात है, ऑफकोर्स इन्फ्लेशन हर जगह इशू है, ऐसा तो नहीं वहाँ पे भी नहीं है. बट जहाँ तक अगर आप बात देखें, एक एक करके बात करते हैं, मतलब खाने की, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कौन कह रहा है खाने की, मतलब वहाँ पे अगर वेजिटेरियन जगह चाहिए 500 जगह है वहाँ पे करने के लिए. yes, पर लेकिन आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको खुद खाना पका के सीखना चाहिए. मैंने भी दाल सब्जी राजमा छोले कई बार बनाए खुद ही, तो इसमें कोई वही नहीं बात नहीं है. दूसरा ज़्यादा हाउसिंग की बात है, अगेन मैंने एग्जाम्पल अपना दिया कि आपको शेयर करके शेयरिंग बेस पर लेना पड़ता है और आप करें, इसमें कोई गलत बात तो नहीं. अभी बहुत सारी रील्स दिख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट रोड पे सोए हुए हैं या कोई जगह पे सोए हुए, तो ये सब बात सही है कि मैं देखिए अगेन ये हाइप क्रिएट किया हुआ है. अगेन ऐसा नहीं कि बिल्कुल इश्यू नहीं होते, बट अगेन ये एक्सेप्शंस है, 99% केसेस में तो नहीं है ऐसा. ओके. और जहाँ तक आप देखें कनाडा
लैंड मास के हिसाब से दुनिया की सेकेंड बिगेस्ट कंट्री है. तो देयर इज एनफ लैंड, देयर इज एनफ थिंग, एंड वो करने और ढूंढने वाली बात है. इट कम्स अगेन, वो अगर आपका नेटवर्क है, आप जानते लोगों को, आपने पहले से रिसर्च कर रखी है, ऐसा कोई इशू है नहीं आपको. ओके, तो आप बोल रहे हो कि इतना मेजर इशू नहीं है, क्योंकि सारा 1-2% तो सब जगह पे प्रॉब्लम तो रहता ही है, राइट? अहमदाबाद की सबसे अच्छी जगह कौन सी रहने की? सैटेलाइट. यस, मैं कल जाऊँ, एक फ्लैट मिल जाए मुझे, एज अ स्टूडेंट मिल जाएगा मुझे जी रहने का? इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर श्योर. डिफिकल्ट रहेगा ना, मैं बैचलर हूँ, मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मुझे मिल जाएगा अच्छी सोसाइटी में? नहीं, अभी तो अहमदाबाद में पूछ रहे हैं, बैचलर को तो जगह भी नहीं देते. तो वही बात होगी. तो मैं बोले अहमदाबाद बेकार जगह है, यहाँ पे देखो अच्छी जगह पे घर नहीं मिलता. बट अगर मैं जैसे अहमदाबाद के आउटस्कर्ट में चला जाऊँ एज अ स्टूडेंट और शेयरिंग पे मुझे 4 लड़कों के साथ मिल जाएगा एक फ्लैट? हाँ मिलेगा, लेकिन स्ट्रगल तो रहेगी. मैं इनिशियल स्टेज में तो स्ट्रगल रहेगा. वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्राइम ब्रैम्पटन, मिसिसागा, डाउनटाउन में रहना है तो वहाँ तो मुश्किल होगा, क्योंकि एक्सपेंस भी होगा और जगह भी नहीं होगी, क्योंकि डिमांड है. वहाँ प्रोफेशनल्स भी काम करते हैं, उनकी भी फैमिली वाले हैं. बट अगेन आपको जरा सा 1 घंटा दूर रहना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. मैंने जब इंटर्नशिप करी थी फर्स्ट ईयर के बाद, सिटी ग्रुप में करी थी, वो थी कनेक्टिकट स्टैनफोर्ड में, वो भी मैंने नेटवर्क के थ्रू निकाली थी. ओके, मैं न्यूजर्सी ट्रांजिट लेता था, 1 घंटे की न्यूयॉर्क लेता था. ओके, वहाँ से मैं लेता था पाथ टू 34th Street. वहाँ से मैं ट्रेन लेता था टू 42nd Street और वाइस वर्सा. फिर मैं वहाँ से लेता था मेट्रो नॉर्थ, एक और सब अर्बन ट्रेन. फिर वहाँ से मैं एक बस लेता था कनेक्टिकट के उस सिटी ग्रुप के. तो मैं कितनी बताई, मैं कम से कम 4 ट्रेनें और एक बस लेता था. 1 घंटे का सफर था, 2.5 घंटे का मेरा. हाँ, बिकॉज आई थिंक अभी भी लोग बोल रहे हैं कि न्यू जर्सी से कनेक्टिकट स्टैनफोर्ड जाना है तो थोड़ा बहुत मुश्किल है. तो मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, तो क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था 3 महीने के लिए कनेक्टिकट स्टैनफोर्ड में रहना. तो मेरा न्यू जर्सी में था मेरा रूममेट और मेरा जहाँ पे मैं रहता था. राइट. मैं 5 घंटे 3 महीने मैंने सफर किया इंटर्नशिप के लिए. राइट. आपके आप अगर मैं कहूँ यार बहुत बेकार इंटर्नशिप नहीं मिल रही मुझे जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, तो गलत बात हुई ना. नहीं है वहाँ पे इंटर्नशिप कनेक्टिकट में. Right. और मैं कनेक्टिकट जाके कहूँ यार मुझे अच्छा $500 में अच्छा फ्लैट नहीं मिल रहा, तो वो भी गलत है. सही बात. तो ये चीज 20 साल पहले तो इतने स्टूडेंट नहीं जाते थे. 20 साल मुझे याद है 40-45 हज़ार इंडिया से आते थे, लास्ट ईयर 1 लाख गए. ये ट्रू तो पहले भी था, तो नई बात क्या है इसमें? तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि स्ट्रगल, मेहनत जो भी है हमेशा से थी. अगर आपको बिल्कुल कन्वीनियंस है ना, आई एम श्योर 5% पीपल आर वेरी लकी दैट दे गेट एवरीथिंग वेरी वेल डन, सो गुड फॉर देम. बट 95% में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज इट इज एन एक्सपीरियंस. राइट. बट मैं ये कह सकता हूँ, स्टडी अब्रॉड देख ले आप, यहाँ पे इंडिया में एजुकेशन देख ले, उसका वैल्यू लॉन्ग टर्म में इज अनमैच्ड. यस. तो आपने जो एजुकेशन की बात कही, तो मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है. बहुत सारे लोग अभी इंडिया में सोच रहे हैं कि एजुकेशन करने का कोई फायदा नहीं है. बहुत सारे स्टार्टअप हो गए, बोले हम स्टार्टअप सिस्टम में चले जाएंगे, मीन्स हमको पैसा कमाना है. तो आपकी लाइफ में एजुकेशन ने क्या पार्ट क्रिएट किया है, और if you are successful right now, तो how much percentage you are allocating to your education, और आपने इंडिया में और abroad में कहीं पर भी किया है, तो education कैसे helpful होता है, तो ये जानना ज़रूरी है अभी लोगों को. because lots of students are thinking कि first semester के बाद हम छोड़ देंगे and then ये startup कर लेंगे, लेकिन long term के उनको पता नहीं है कि क्या है. right. देखिए Bill Gates, Mark Zuckerberg का example सब देते हैं. देखो drop out हो गए, ये हो गए. yes. but आप ऐसा मुझे 10 नाम और बता दो इंडिया में जो ड्रॉप आउट थे, जो कर गए. आप बिनी बंसल, सचिन बंसल का देखे, दोनों आईआईटी गए थे, आईआईटी दिल्ली के थे, फ्लिपकार्ट जिन्होंने फॉर्म करी थी. यस, ट्रू. एज एन एग्जांपल, तो अगेन ये कहना अच्छा है ना. अगेन मैं नहीं कह रहा, आई एम श्योर बहुत स्मार्ट लड़के हैं जो हाई स्कूल से निकल के कर रहे हैं, एंड वेरी गुड फॉर देम. राइट. बट वो परसेंटेज 0.001% होगी मेरे ख्याल से. एंड अगेन इफ यू वांट टू बी लकी, ट्राई, बिल्कुल करना चाहिए आपको. राइट. बट यू शुड बी विलिंग टू प्ले दैट ऑड, कि ऑड है कि यार रिस्क है. बट यू कैन डेफिनेटली इंक्रीज योर चांस ऑफ सक्सेस विद अ गुड एजुकेशन. जैसे मैंने ये मैं नहीं कह रहा हूँ आईआईटी से आप पढ़िए, बट अगेन गुड यूनिवर्सिटी डिग्री, गुड डिसेंट कॉलेज डिग्री, उसमें 2 फायदे होते हैं. एक तो कि आपका जो मानसिकता होती है वो और बेहतर हो जाती है, जो आपका माइंड सेट है बेहतर हो जाता है आपको. कि आप 3 चीज़ें और देखोगे, 4 चीज़ें करोगे. नंबर 1, और हम कहते हैं स्कूल में हमने फिजिक्स पढ़ी, इसका क्या यूज़ है, या हमने साइंस पढ़ी है, बायो पढ़ी, क्या यूज़ है. आप इतना सरप्राइज हो जाओगे कहीं ना कहीं डाउन द लाइन आपको लगेगा यार ये चीज़. मैंने जैसे केमिकल इंजीनियरिंग करी थी, मैंने बहुत साल पहले जब मैं कंसल्टिंग में था, तब मैंने रियलाइज़ किया यार ये जो उसमें प्रोसेस फ्लो का था यार, ये बिल्कुल यहाँ फिट करता है इस इंडस्ट्री में. right, तो right, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो अगेन आपको रिस्क लेना आप बिल्कुल लीजिए. right. लेकिन आपके जो चांस कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है टू डू अ कंपनी और अ स्टार्टअप, और आफ्टर यू डू अ जॉब टू गेट 2 आइडिया आ जाए,
becomes much, much more after you graduate. Right. अच्छी डिग्री से और अच्छे एक्सपीरियंस से. तो ज़्यादा मेरा कैसे, मैं कहूँगा लक अगेन बहुत ज़्यादा प्ले करता है, बट अगेन 90% इज योर एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड 10% इज लक. यस. बिना लक के कुछ नहीं होता. या बिना लक के कुछ नहीं होता. आई थिंक आई बट योर लक, बट यू वांट टू डू 90% लक एंड 10% एजुकेशन, अगेन लक कहता है, तभी वो लक कहता है ना, डू डू वो चांस ले लीजिए. राइट. बट विद एजुकेशन योर लक रिक्वायरमेंट बिकम्स मच लेस. राइट राइट. तो आई थिंक मेरे को एक बात याद आ रही है कि सुंदर पिचाई जी जो अभी गूगल के सीईओ अल्फाबेटा के जो भी है, तो आई थिंक ही डिड हिज बीई फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर इन मटेरियल इंजीनियरिंग. मटेरियल इंजीनियरिंग. राइट. तो मटेरियल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड में जाके भी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग किया. तो अभी वो टेक्नोलॉजी हेड कर रहे हैं. सही सही. तो आप क्या बताना चाहते हो कि आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री और मास्टर डिग्री फ्यूचर में, जब लोग बोलते हैं ना कि मैकेनिकल कर लिया, फिर आप सेल्स में चले गए, आप मार्केटिंग में चले गए, आपने ये फाउंड कर लिया, तो रिलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्योंकि बोलते कि तो फिर मैकेनिकल क्यों किया. हम अपने आप से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. राइट. अगर आपने अगर अच्छी चीज़ करी है, अच्छे से पढ़ा है, तो आप कहीं से भी रिलेट कर सकते हो. अगर आपने नहीं पढ़ा और कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं रिलेट कर सकते. गुड पॉइंट. यस, वेरी गुड. जैसे मैंने कहा मैं केमिकल इंजीनियरिंग, मैं कंप्यूटर साइंस हूँ, बट मैं अभी सेल्स स्ट्रैटेजी जो भी करता हूँ. बट अगेन मुझे टेक्नोलॉजी की डिसेंट आइडिया, तो मुझे आइडिया है कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता. मैं एक्सप्लेन भी बेटर कर सकता हूँ, लेकिन काम मेरा वह है नहीं. राइट राइट. बट जो मैं अपना आज का काम कर रहा हूँ, आई कैन डू इट कहीं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड है उसका. ओके. तो एजुकेशन क्लीशे है कि एजुकेशन या पढ़ाई कभी ख़राब नहीं जाती. यस. गिवन कि आपने डिसेंटली पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि हम बड़े टॉप स्टूडेंट थे, बट डिसेंटली अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए आपको. राइट राइट. तो अगेन मैं वही एडवाइस दूंगा स्टूडेंट्स को कि इसमें एक और पॉइंट है कि करियर लॉन्ग टर्म होता है, कि ऐसा नहीं कि कल को आपको हो जाए. पाँच दस साल बीस साल तक लोग क्लियर नहीं होते आपको क्या करना लाइफ में. तो डोंट, इसमें कोई पैनिक करने की बात नहीं. और अगेन एजुकेशन का बेस्ट पार्ट है, आप बार बार डिग्री कर सकते हो. आपने ये किया, फिर वो कर लिया, फिर एमबीए कर लिया, फिर कुछ और पढ़ लिया, फिर सर्टिफिकेट ले लिया. आज के दिन तो बहुत ऑप्शंस है, बहुत ऑप्शंस है. ऑनलाइन 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 के एक एक साल के आप कोर्स कर सकते हैं, छह महीने कोर्स कर सकते हैं, तीन महीने कोर्स कर सकते हैं. तो ऑप्शंस आर लॉट टुडे. राइट 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 राइट. तो आई थिंक जो स्टूडेंट है जो ट्वेल्थ के बाद कॉमर्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, आर्ट लेते हैं, तो आई थिंक उनको डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. बिकॉज वो सोचते हैं कि हमने कंप्यूटर साइंस नहीं किया तो हमको फ्यूचर में जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी सब टेक 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 कर रहे हैं. तो आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल सकते हो आप. राइट. मैंने वही बोला ना, स्मार्ट लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्मार्ट लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगेन आपको जरा सा बट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना. अगर 100 कॉमर्स के लोग हैं, आपने कॉमर्स में क्या डिफरेंट किया है, क्या डिफरेंट सोचा है. राइट राइट. या क्या डिफरेंट आपका थॉट प्रोसेस है जिससे आप डिफरेंशिएट हो. राइट. सही बात है. तो नाउ लेट्स गेट बैक टू योर जर्नी कि आपने इंडिया में पढ़ाई की आईआईटी से, यूएस में भी पढ़ाई की, आपने यूएस में काम भी किया, इंडिया में काम किया, कनाडा में भी अभी काम कर रहे हो. तो कौन सी कंट्री आपके आपको लग रहा है कि बेस्ट कंट्री है? हर कंट्री का अपनी ऑब्वियसली. yes. मेरा भारत महान, ऑब्वियसली इंडिया इज द बेस्ट. राइट. बट अगेन डिपेंड करता है आप किस फेज है लाइफ पे. या मींस इफ वी टेक अ वन पीस, तो उसमें एक टेक्नोलॉजी की पार्ट ले लेते हैं. तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे ये तीनों कंट्री को, बिकॉज यू हैव अ वाइड एक्सपीरियंस. तो अगर सिर्फ आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है ज़्यादातर कंज्यूमर लेड टेक्नोलॉजी है. ओके. जैसे आप 10 साल पहले 2008-09 में देखिए फ्लिपकार्ट आया, ई कॉमर्स बेस आया, अमेजोन आया 11 में, स्नैपडील जहाँ मैं काम करता था 2008-09 पे स्टार्ट हुआ था. राइट. तो ई कॉमर्स बेस था, फिर आया प्रॉपर्टी टेक आई, एक हाउसिंग करके कंपनी थी बंद हो गई, फिर ओयो रूम आया, होटल टेक आया, क्या आया, और अब आ रहे रिटेल टेक. यस. तो इंडिया में जो भी टेक्नोलॉजी है ज़्यादातर कंज्यूमर टेक है. ओके. ऑब्वियसली देयर अच्छी टेक कंपनीज भी हैं जो टेक टेक बनाती हैं. राइट. SaaS की तरह. SaaS की तरह. राइट. तो ये इंडिया में ये है, क्योंकि इंडिया में वही 150 करोड़ लोग हैं. हाँ. तो कंज्यूमर टेक हमेशा अच्छा रहेगा. अच्छा. अगर आप टेक में काम कर रहे हैं, कंज्यूमर में काम कर रहे हैं, इससे अच्छी कंपनी कोई दुनिया में नहीं है. यूएस में क्या होता है, यूएस इज हाई टेक. वो इनोवेशन इंजन है वर्ल्ड का, उसमें आप बात नहीं कर सकते. आप चाहे गूगल, ये सब तो दुनिया में बात है. वहाँ पे 100 ऐसे स्टार्टअप है. अब आप ChatGPT देख लीजिए. ChatGPT. तो दे बिल्ड द इंजन ऑफ द वर्ल्ड. ओके. तो अगर आप हाई टेक में काम करना है, और इवन कंज्यूमर में आप बात करें उनका, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मार्केट GDP बहुत ज़्यादा है, तो उससे अच्छी कोई कम नहीं है. ओके. ज़्यादा कनाडा की बात है, कनाडा में भी अगेन नीश बहुत अच्छे हैं. उनके टेक्नोलॉजी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के साइड हो गया, जैसे बम्बार्डियर है वहाँ पे. यस. मैन्युफैक्चरिंग साइड पे लॉट ऑफ ऑटोमोटिव इज देयर जहाँ पे है इनोवेशन.
अब गूगल अमेजोन शॉपिफाई भी वहाँ पे है right. तो बट अगेन मार्केट उनका अराउंड 4 करोड़ का है तो स्मॉल मार्केट तो yes. वो नहीं है. तो अगेन हर जहाँ तक टेक की बात करें हर जगह का अपना डिफ्रेंसिएशन है, हर जगह की अपनी बात है. राइट. तो लाइक इफ यू वुड लाइक टू से एनी इफ यू वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ एनी कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम और मे बी सम योर पर्सनल एक्सपीरियंस इन कैनेडा. तो आपने कभी कैनेडा में कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस किया है कि आपको कभी डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम हुआ या कभी आपको ऐसा टाइम आया कि जहाँ पे आपको लगा कि नहीं ये कंट्री मेरे लिए नहीं है, इसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है? डू यू नहीं, लेकिन जहाँ तक कम्फर्ट वाली बात होती है इसमें मैं कहूँगा कैनेडा से अच्छी कोई कम्फर्ट वाली जगह है नहीं. यस yes. मैं यूरोप में भी काम किया है, लंदन में फॉर अ वाइल यूरोप में भी गया हूँ, यूएस में मैं रहा हूँ. राइट. बट कैनेडा में अगेन लोगों के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं तो कभी रेसिज्म नहीं देखी वहाँ पे. ओके. एंड अगेन क्योंकि अगेन वाई आई लाइक कैनेडा एंड वाई आई एम इन कैनेडा क्योंकि बहुत ही मल्टीकल्चरल है. राइट. अगर आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे आज की कैबिनेट में 4 तो हमारे सिख कम्युनिटी से लोग हैं. डिफेंस मिनिस्टर इज अ सिख ओरिजिन पर्सन. राइट. तो वहाँ तो बहुत ही मल्टीकल्चरल है. राइट. और वहाँ पे वो वेलकम करते हैं इमिग्रेंट्स को, वेलकम करते हैं वो को और स्टूडेंट्स को भी, ऐसा नहीं है. बट अगर आपका इंटेंट अच्छा है या ना आप रूल बेस कर रहे हैं तो दिस दे वेलकम यू लाइक एनीथिंग. बिकॉज़ करंटली मैं देख रहा था कि हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर कनाडा का रैंक बहुत ज़्यादा है. हाँ, तो एक पॉइंट हमें वो भी समझना चाहिए कि कनाडा में चीज़ें एक्सपेंसिव क्यों हैं. अगर आप टॉप कंट्रीज देखें, कोई भी रैंकिंग देख ले, टॉप सिटीज टू लिव इन टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी, एडमंटन, टॉप 25 वर्ल्ड में आती है. हाँ, टॉप 25 वर्ल्ड में सही. फिर ज्यूरिक भी आती है, सिडनी भी आता है. अगर आप ऑस्ट्रेलिया, तो ऑल दीज आर एक्सपेंसिव प्लेसेस. क्योंकि अगर इतना ईजी होता और हर आदमी वहाँ पर जाता तो इट्स नॉट ईजी. सो अगेन दीज विल बी एक्सपेंसिव प्लेसेस बिकॉज दे आर द बेस्ट प्लेसेस टू लिव इन. राइट. कनाडा में फायदा ये है, फ्री हेल्थ केयर है, फ्री एजुकेशन फॉर किड्स है, राइट, व्हिच इज अ बिग थिंग. राइट. सो कनाडा में ये फायदा है. यूएस में ये फायदा है जो मैंने मेंशन किया. यूएस में जैसे कनाडा में बस ये है कि 3-4 बड़ी सिटीज है. यूएस में मैं 30-40 अभी गिन के बता सकता हूँ. राइट. टेक्सस में ही 5 बड़ी सिटीज है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी, लेकिन बिकॉज इकोनॉमी बहुत बड़ी है. बट अगेन यूएस में वाइडली वेरी करता है आपका एक्सपीरियंस. राइट. अगर आप डाउन साउथ में चले जाए इट माइट बी लिटिल बिट लेस अकोमोडेटिंग ऑफ नॉन वाइट पीपल, बट आप वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट चले जाए, न्यूयॉर्क साइड पे या कैलिफोर्निया, इट्स मच मोर मल्टीकल्चरल. राइट. तो आपका एक्सपीरियंस वेरी करता है, बट अगेन अपॉर्चुनिटीज, तो हर चीज एक ट्रेड ऑफ होती है. राइट. आप अहमदाबाद में रह रहे हैं या आप आई डोंट सूरत में रह रहे हैं, हर चीज का ट्रेड ऑफ. हाँ, ट्रेड ऑफ. सिमिलरली आप यूएस जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, हर चीज का ट्रेड ऑफ है. कहीं भी एक शेर है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता. अच्छा. किसी को जमी, किसी को आसमान नहीं आसमान मिलता, मतलब nothing is perfect. Right. इसकी गजल भी है. तो सेम थिंग एवरीवेयर. तो आप इंडिया देख ले, कनाडा देख ले, यूएस देख ले, यूके देख ले, ऑस्ट्रेलिया देख ले, हर जगह इट्स अ ट्रेड ऑफ. और आप लाइक कभी एजुकेशन सेक्टर में हो, एजुकेशन इंडस्ट्रीज में हो, एडटेक में हो जी, तो कनाडा के अंदर, अभी कनाडा की बात करते हैं, तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मेजर डिफरेंस क्या है? मीन्स आप क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है. आई थिंक हमें समझना चाहिए कि हर जगह एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है. यस yes. जैसे इंडिया में भी आप देखे ITIs होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो जवाहरलाल नेहरू ने बहुत पहले स्टार्ट किए थे. yes. उनका पॉइंट ये था कि हर आदमी यूनिवर्सिटी नहीं जाता. सही बात है. यहाँ पे ट्रेड्स की बहुत जरूरत है. yes. जब इंडिया डेवलप हो रहा था और अभी भी, तो ITIs बनाए गए थे कि आप जाके प्लम्बिंग सीखे, आप मशीनिंग सीखे, AC सर्विस. तो ये सिस्टम है, यहाँ पे हम इतना अच्छा समझते नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये बहुत वैल्यूबल स्किल्स है. राइट. आप कनाडा में जाएंगे वहाँ पे भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ है. यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, यूनिवर्सिटी विंजर है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है, अल्बर्टा है, यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलम्बिया है. बट कनाडा ने भी बहुत साल पहले, 40-50 साल पहले रियलाइज किया कि दे नीड एवरीवन, हर आदमी को यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है. कॉलेजेस में जहाँ डिप्लोमा हो या पोस्ट अंडरग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट आप सर्टिफिकेट है, पीपल वांट एडिशनल स्किल सेट एंड दे वांट टू गो इनटू द जॉब मार्केट. राइट. तो उन्होंने कॉलेजेस सिस्टम स्टार्ट किया विच इज आई वुड से द बेस्ट इन द वर्ल्ड. ओके. जैसे यूएस में भी कम्युनिटी कॉलेज है, बट दे आर नोवेयर क्लोज टू व्हाट इट इज. सो कॉलेजेस जो हम समझते हैं टिपिकल से हमें डिफरेंट समझना चाहिए. कॉलेजेस कनाडा में आर फॉर अ वेरी स्पेसिफिक नीड ऑफ स्टूडेंट्स हु थिंक आई वांट टू डू, मैं पहले डिप्लोमा कर लूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ जॉब कर लूँ, फिर मैं जाके कंटिन्यू करूँ अंडरग्रेड करूँ, या फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएट कर लूँ. तो उस हिसाब से हमें कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए कि कॉलेजेस आर वेरी हाई क्वालिटी. ओके. दे प्रोवाइड अ वैल्यूएबल स्किल सेट टू द इंडस्ट्री. ओके. आज के दिन देखे फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेड्स में देखे कनाडा में, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो ट्रेड्स में लाइसेंस्ड है 50 साल के ऊपर है. आप इनफैक्ट कनाडा में देखेंगे उन्हें ट्रेड्स के लोग चाहिए. यस.
HVAC इंजीनियर हो गए, मशीनिंग हो गया, प्लम्बिंग हो गया, एंड अगेन उनको आप यहाँ वाले लोग की तरह मत समझिए, वहाँ पे दे आर वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब्स. यस ओके, बिकॉज़ इधर हम ऐसा सोचते हैं आपके भी जो टेक्नीशियन आएगा वो मर्सिडीज में आएगा. मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूं, क्या बात कर रहे हो, उसकी गाड़ी मुझसे बेटर होगी, मैं निसान चलाता हूं फॉर एग्जांपल. अच्छा, बिकॉज़ अगेन दीस आर वेरी रिस्पेक्टेबल एंड हाई पेड जॉब्स. ओके, एंटरप्रेन्योरशिप आप कहते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इन कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल. ओके ओके, तो कॉलेजेस सेक्टर cater to that crowd, and again if India ho gaya aapka, yahan se jo student high school ke baad jana cha rahe unke liye it's a very good option, but again aapko clear hona chahiye ki agar main business program kar raha hu uske kya main karunga, digital mein kar raha hu, outcome kya hai, IT kar raha hu, IT ka kya outcome hai, aur agar main trades ka program kar raha hu uska usme kya expectation aur kya outcome hai, right, aur usme aur Canada mein main India ka again main keh raha hu, India mein aapka main ITI mein pad raha hu, log kahenge unfortunately yahan kya hai, kahin admission nahi hua, wahan pe there is nothing different from there. Okay, okay, main bhi keh raha hu from a from a earning potential and from a from your outlook perspective, colleges are very good. Right, right. And of course, जो university जाना चाहते हैं, जो more research oriented है. अच्छा, okay. जो more जिनको लग रहा है नहीं मैं clear हूँ, मुझे undergrad biomedical sciences में करना है, Waterloo से या Toronto से या Windsor से या Laurentian से, then they can do it. Right, right. तो again, but again, colleges context है, it's meant for the Canada market. And in my experience of study abroad और खुद पढ़ा, they serve a very important and with high quality education. Okay, right, right. उनको आप नहीं कह सकते कि यार ये college है क्या है. Right. So that's very important. तो means as एक student है इंडिया का जो graduate है, तो अभी उसने कुछ bachelor किया है, बी कॉम किया, कुछ भी किया है, तो आप उसको क्या advice दोगे, top two advice कि college में जाना है और universities में जाना है और program के लिए. तो like if let's have example of commerce, bachelor of commerce, so accounting में किया हुआ है, तो उसको क्या एडवाइस दोगे कि उसको यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए और कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करना चाहिए? बट डिपेंड करता है, अगर जैसे वो अकाउंटिंग में बहुत अच्छा है, वो मास्टर्स के अच्छे प्रोग्राम है, अकाउंटिंग और बिजनेस, मास्टर फाइनेंशियल एनालिसिस, राइट, तो बिल्कुल वाले प्रोग्राम आप ट्राई कर सकते हैं. अगेन आप जरा लॉन्ग टर्म अगर आप विजन देखेंगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे वो, यस, बट लेकिन अगर वहाँ पर ग्रेजुएट करेंगे तो आपके ऑप्शंस कहीं ज़्यादा खुल जाते हैं. राइट राइट राइट. बट अगेन अगर आपको लगा यार ठीक है मैं अकाउंटिंग इतना अच्छा नहीं है, मुझे यहाँ पे सीए नहीं हो पाया मेरा फॉर एग्जांपल, तो MBA is also not a bad choice. आप MBA कर लीजिए, MBA entrepreneurship है, MBA and something. But again, depend करता है आप करना क्या चाहते हैं. जहाँ पे भी कम लोग जा रहे हैं जिस स्ट्रीम में, वहाँ पे जरा मुश्किल होगी आपके लिए इन टर्म्स ऑफ फीस या एडमिशन, बट अगेन आउटकम फायदा होगा. जहाँ पे मास में जा रहे हैं वहाँ पे भी अच्छी बात है, बट वहाँ पे अगेन आपको फिर डिफरेंशिएट खुद करना पड़ेगा. एक केस में आपकी डिग्री डिफरेंशिएट कर सकती है, एक केस में आपको ज्यादा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. मेहनत दोनों में है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है समझना. बट अगेन फॉरेन एजुकेशन का ये फायदा है कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. ओके, मैंने अपना एग्जांपल दिया, मैं केमिकल इंजीनियर था, मैंने दो साल टेक्नोलॉजी में जॉब करी, मैंने अप्लाई किया, हैड फुल स्कॉलरशिप. राइट राइट. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स दे लाइक पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. यहाँ पे आपने अगर साइंस नहीं लिए आप आईटी नहीं दे सकते जेई. हाँ यस, वो वही है कि आपने जो पीसीबी किया है तो आप जेडब्ल्यूई क्रैक नहीं कर सकते. मैं अगर मेडिकल का एग्जाम देना चाहूँ मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैंने पीसीएम लिया था. Right, तो right. तो यहाँ पे ठीक है, जहाँ के हिसाब से ठीक है, बट वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है. राइट राइट. तो अगेन तभी मैं कह रहा हूँ अब्रॉड एजुकेशन इमिग्रेशन वो सब तो चली अपनी बात है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है आपका और जो अपॉर्चुनिटी है वो अनमैच्ड है. राइट राइट. तो एजुकेशन में मैं पूछूं, आपका ग्रेड तो नहीं पूछूंगा कि आपका अंडर ग्रेजुएट में क्या CGPA था और मास्टर्स में क्या था. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जब हायर अथॉरिटी में जाते हैं जॉब के लिए जाते हैं तो CGPA मैटर करता है. तो आई थिंक ऐसा ऐसी कुछ चीज़ है कि जो आपका एजुकेशन का जो परसेंटेज है जो आपको जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं. मैं इसका ये आंसर देता हूँ, कि उसका मैं अपना एमबीए का एग्जांपल देता हूँ. मैंने इंडियन स्कूल, फिर मैं इंडिया आ गया था, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से मैंने एमबीए किया था. वहाँ पे कंसल्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंसल्टिंग कंपनीज आती है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग. मैं डीज लिस्ट में नहीं था, मतलब टॉप 25 में नहीं था, यूजली टॉप पर ही जाते हैं, मतलब ठीक ठाक था, आई वॉज नॉट बैड. बट मेरा एक ही इंटरव्यू था और मैंने वो इंटरव्यू क्रैक कर दिया. वहाँ मेरे जीपीए नहीं पूछा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग था. ओके. और जो मैं इंटरव्यू से पार्ट कर रहा था, मैं सोचा मैंने अच्छी बातें करी उनके साथ. मैंने आंसर भी इतना अच्छा नहीं दिया टू बी ऑनेस्ट. ओके. बट मैंने जो अपना इंटरेस्ट दिखाया, अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री दिखाई, दैट स्टूड आउट. तो जो हमारा टॉपर था जय, उसकी लगी और मेरी लगी. ओके. और मैं जीपीए में काफी फर्क था. यस यस. तो मैं कह रहा हूँ डिपेंड करता है, अगर आप बहुत स्ट्रांग है जीपीए में परसेंटेज में, देन दैट स्टैंड्स यू आउट. ओके. बट अगर नहीं है तो, बट किसी और चीज में तो आप स्टैंड आउट करोगे ना. हाँ, तो डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है.
हाँ, लेकिन फिर मोटिवेट ही होना चाहिए. अगर आप जीपीए आपका कम है बट आप बेटर किस चीज़ में, बेटर किस चीज़ में, हाउ डू मेक इट अप, यस डिफरेंशिएट इज. और अच्छे जीपीए वालों को भी जॉब नहीं लगती. हाँ, वो भी बात सही है, वो भी बात सही है, वो भी बात सही है. तो इसमें कोई डिमोटिवेशन की बात नहीं, बट अगेन मैंने पूरा थीम अगर आप समझेंगे पढ़ाई का या जॉब का या एक्सपीरियंस का, आपको डिफरेंशिएट क्या करता है. सही बात है, सही बात है. It's all about experience you have. Experience है ना, जो मैंने पहले कहा करियर लॉन्ग टर्म की रेस है. कोई हाँ. कोई आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, 10 सब्जेक्ट में फेल हो गए. अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, उसका रिकॉर्ड था कि रुड़की में उसकी हर सेमेस्टर में बैकलॉग आया, विच इज रेयर. आईआईटी में बैकलॉग नहीं आते, सही बात. हर सेमेस्टर में उसका बैकलॉग आया. आज वो हेड ऑफ मार्केटिंग है एक यूएस कंपनी का, टेक्सस में. वो वाओ, सिविल इंजीनियर था वो. ओके, सिविल इंजीनियर इज वर्किंग इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग. 6-8 बैकलॉग्स इन हिज अंडरग्रेड जॉब. हेड ऑफ मार्केटिंग है ऑफ द फॉर दैट कंपनी. तो दैट मींस ऐसा बोल सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल, आपका पर्सनालिटी वो मैटर करता है ये सारी चीजों में. हां, मैं वही स्टूडेंट बाजी ना, आप अगर कोई फेल भी हो कोई बड़ी बात नहीं है ना. वो 12th फेल बड़ी अच्छी पिक्चर, आप सबको देखना चाहिए. इट्स वेरी गुड पिक्चर, इट इज ट्रू. तो कभी भी डिसअपॉइंट, डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए. एडमिशन आया कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं. राइट. एंटरप्रेन्योरशिप की वेरी गुड, नहीं हुआ कोई बात नहीं. तो अगेन एजुकेशन तो लाइफ लॉन्ग स्ट्रीम है, आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं. अगेन अच्छे मेंटर्स हो दर्शन भाई की तरह, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. सही बात है, सही बात. तो लाइक इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग टू द कनाडा, कि आप कनाडा में अभी कितने साल से रह रहे हो, तो अच्छा वहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो व्हाट डू यू थिंक कनाडा फ्यूचर. और कोई भी स्टूडेंट्स को कनाडा जाना है तो कौन से कोर्सेज लेगा कि जिसका फ्यूचर अच्छा है. बिकॉज अभी कोई ये गाइड नहीं कर रहा है, सब ऐसे ही बोल रहे हैं कि कनाडा में सब बंद हो गया है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी रूमर्स और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चल रही है. तो जो भी बच्चा कनाडा एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहा है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा कोर्स लेना चाहिए, और कौन सी सिटी अच्छी है जहाँ पे ग्रोथ और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है. दिस आर द टू मेन क्वेश्चन आई हैव फॉर यू. आई थिंक कोर्स डिपेंड करता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, वो क्या है. मैं तो कहता हूँ आप एक कोर्स हो जिसमें 1 लाख बच्चा कर रहा है कोई बात नहीं, बट आप अगेन डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, आप मोटिवेशन अच्छा, तो आप यू विल डू वेल. राइट. बट अगेन अगर स्पेसिफिक कोर्सेज आप देखें कनाडा में जो है, दे वांट टू इंकरेज स्टूडेंट्स टू डू मोर मास्टर्स. राइट. इवन इन कॉलेजेस दे सेइंग आप जरा सा नॉन बिजनेस प्रोग्राम देखें, जो आईटी हो गए, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो गए, ट्रेड्स मैंने आपको बताया, ट्रेड प्रोग्राम्स जो होते हैं. राइट. आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड्स. तो व्हाट इज ट्रेड्स, मींस इफ यू कैन एलाबोरेट. ट्रेड्स इज बेसिकली जैसे वहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है. ओके. वहाँ पे क्योंकि लकड़ी का होता है, तो उनको ये चाहिए भाई जो फ्रेम बना सके इस घर का. हाँ हाँ. या जो उसकी इंसुलेशन कर पाए. ओके. या जो इसमें प्लम्बिंग ओन करे, इलेक्ट्रिशियन ओन करे. अगेन दीज आर वेरी हाई क्वालिफाइड, हाईली लाइसेंस्ड, रिस्ट्रिक्टेड जॉब्स. राइट. लेकिन इंडिया में तो उन लोगों को कुछ अलग नजरिए से देखा जाता है. वही मैं आपको समझा रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ पे जो है, जो वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर का फर्क है, वाइट कॉलर मतलब मैं बिजनेस वाला हूँ और वो ब्लू कॉलर टेक्नीशियन है, इसमें कोई फर्क नहीं है. लिविंग स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड में इज एग्जैक्टली द सेम. ओके. बट अगेन पीपल, स्टूडेंट सम शुड रियलाइज कि यार मैं बिजनेस में शायद नहीं अच्छा हूँ, बट आई एम वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम्स और थिंग्स और ये कैसे, how to put things together. Right. So there's nothing wrong with that. उसके साथ आप entrepreneurship भी कर सकते हो, अपना business चला सकते हो आप उसमें. उसके साथ तो again उसमें business element भी आता है, उसमें entrepreneurship भी आती है. तो trade के अंदर जो आप बोल रहे थे कि civil आ गया, technicians, electrical, civil electrical आ गया, welding, machining आ गए. Okay. आप, मैं example देता हूँ आपको, दुनिया में number one country in the world in terms of manufacturing और precision manufacturing कौन सी है, यूरोप की जो कम बताइए कौन सी है, यूरोप में, यूरोप की कंट्री है, यूरोप की कंट्री है मैन्युफैक्चरिंग प्रेसिशन इंजीनियरिंग. जर्मनी. जर्मनी का आपको पता है एजुकेशन सिस्टम क्या है, अप्रेंटिसशिप का, इंटर्नशिप. वहाँ पे क्या मास्टर्स के स्टूडेंट मशीनिंग करते हैं? नहीं ना, नहीं करते. क्यों है नंबर वन दुनिया भर में? आप यहाँ पे सूरत में भी आपकी टेक्सटाइल की मशीन होगी. यस, डायमंड की मशीन, टेक्सटाइल की मशीन जर्मनी से आ रही है. जर्मनी से आती है. कौन बनाता है? अप्रेंटिस. तो मतलब अप्रेंटिस हाई क्वालिटी ऑफ लिविंग, हाई स्टैंडर्ड, वर्ल्ड क्लास. Right. तो अगेन जर्मनी ने कहा हमें प्रेसिजन में रहना है. राइट. ठीक है. वर्ल्ड वॉर टू के बाद उन्होंने बोला हम गोलीबारी कम करते हैं, लेट्स गेट टू मैन्युफैक्चरिंग, कार्स, हर चीज जो आप देखें वहां से आती है. तो सिमिलरली हर आदमी, हर स्टूडेंट को, हर बंदे को बिजनेस नहीं करना, क्योंकि नहीं जरूरत है उसकी. मेरे जैसे लोग की कम जरूरत है. कंपेयर टू पीपल हु कैन डू मैन्युफैक्चरिंग दीस काइंड ऑफ थिंग्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. राइट. And they, in fact, it is needed of the hour. Need of the art.
तो जब भी आप ट्रेड्स की बात करें, आप इनकी बात करें, दीज आर वेरी वैल्यूएबल स्किल्स एंड दे हैव वेरी हाई अर्निंग पोटेंशियल, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. इनफैक्ट आप ऑन्टेरियो के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक है, उनका आप जाके गूगल कर ले स्टेटमेंट, वो कहेंगे वी नीड पीपल हु आर इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ओके, वी नीड पीपल हु आर इन ट्रेड्स, राइट, बिकॉज दैट्स इन हाई डिमांड. तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगेन हर कोर्स अच्छा है, बट अगेन आप मास्टर्स करें या कॉलेजेस में ट्रेड्स कर ले, या फिर आईटी बिजनेस एनालिसिस का डिप्लोमा कर ले, या बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कर ले, बैचलर्स इन बायोमेड कर ले, या नर्सिंग के आप कोर्सेज ले ले, ऑल दीज आर इन हाई डिमांड. तो कैन यू टेल मी मोर अबाउट द हेल्थ केयर, बिकॉज आई थिंक आई हैव सीन लॉट्स ऑफ आर्टिकल दैट आई थिंक कनाडा स्पेंड्स आई थिंक 10 or 15% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन हेल्थ केयर, बिकॉज फ्री हेल्थ केयर है. इंडिया में पता है कितना स्पेंड होता है? 1.2%. ओके, तो कनाडा स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन हेल्थ केयर, बट अगेन हेल्थ केयर के लिए मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, दे नीड नर्सेस, दे नीड इवेंचुअली ऑब्वियसली डॉक्टर्स चाहिए, बट नर्सिंग चाहिए, हेल्थ केयर एडमिट वाले लोग चाहिए, जो पर्सनल सपोर्ट वर्कर चाहिए, जो क्योंकि पॉपुलेशन एज हो रही है, तो हेल्थ केयर की बहुत जॉब्स है. आप वाटरव्यू रीजन में चले जाइए, हजारों हजारों जॉब्स है उसमें, राइट. सो अगेन इफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, एंड अगेन आपको इवेंचुअली डॉक्टर बनना, दैट्स अ गुड स्टेप. यार आपको हेल्थ केयर एडमिन में जाना, दैट्स अ गुड स्टार्ट, राइट. तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है. यस, एंड देन सेकंड क्वेश्चन की आपकी, आप तो लाइक सपोज की टोरंटो के नजदीकी रह रहे हो, मिल्टन में शायद रह रहे हो, राइट. तो नाउ आप कौन सी सिटी और कौन सा प्रोविंस बोल सकते हो कि वो ग्रोइंग है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर? अगेन डिपेंड करता है, हर जगह ही अच्छी है, मतलब लेकिन डिपेंड करता है. जैसे अगर आप, मैं एग्जांपल दूंगा, सबसे बिगेस्ट सिटी कौन सी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया? मुंबई है, मुंबई में. लेकिन अगेन बहुत आसान है रहना, वेरी डिफिकल्ट. अगर मैं हूँ, मैं भी शायद थाने रहूँ या मुलुंड रहूँ या कहाँ रहूँ. यस यस यस, तो सेम थिंग है. अगर आप ऑन्टारियो में है तो टोरंटो इज अ हब ऑफ एक्टिविटी, तो है वहाँ पे ग्रोथ. लेकिन अगेन जरा सा आपको एज ए न्यू इमिग्रेंट आपको जरा मुश्किल होगा वहाँ पे रहना, आपको दूर रहना पड़ेगा. अगर सिमिलरली वैंकूवर है ऑन द वेस्ट कोस्ट, वैंकूवर इज वेरी गुड. सो अगेन बैलेंस है हर जगह, वेरी हाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, लॉट ऑफ जॉब्स, बट अगेन इट माइट नॉट बी वेरी इजी फॉर यू टू अफोर्डेबल टू लिव देयर इनिशियली. बट अगेन आप सिमिलरली आप एडमिंटन चले जाए कैलगरी में, इट इज मोर अफोर्डेबल, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है. कैलगरी आप चले जाए, या फिर आप और आप उधर चले, अटलांटिक प्रोविंसेस चले जाए, सेंट जॉन्स चले जाए. तो अगेन हर जगह अपॉर्चुनिटी है, बट अगेन ट्रेड ऑफ है. राइट, हाई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी माइट बी लिटिल बिट हार्डर टू लिव इनिशियली, इवेंचुअली एवरीथिंग बैलेंसेस आउट. तो अभी सब लोग अल्बर्टा का बहुत बोल रहे हैं कि अल्बर्टा इज ग्रोइंग राइट नाउ, तो ऐसा कुछ व्हाट आर द एक्टिविटीज अल्बर्टा गवर्नमेंट इज डूइंग, और क्या कुछ इकोसिस्टम है वहाँ पे बिल्ड हो रही है कि जैसे? हाँ, अगेन अल्बर्टा अगेन प्रेरीज में आता है, तो अगेन अच्छा इकोसिस्टम है वहाँ पे. गवर्नमेंट जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कॉलेजेस के साथ वहाँ पे नर्सिंग के लिए हाई स्कॉलरशिप्स है, बर्सरीज है. सिमिलरली हिस्टोरिकली ऑयल एंड गैस वॉज स्ट्रॉन्ग ओवर देयर. यस, तो अगर वर्ल्ड वॉर III होता है, ऑयल एंड गैस बढ़ता है, तो दे विल ऑल्सो, दैट इकोनॉमी विल ऑल्सो बूम. सो सम कुछ फ़ायदा होगा वर्ल्ड वॉर III का अगर हुआ तो है. बट अगेन हर अगेन फॉर अगेन मैं स्टूडेंट की तरह सोचता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, जैसे लाखों लोग जा रहे हैं कोई बात नहीं, मैं एक हूँ, मुझे एक जॉब एक जगह चाहिए, राइट. इट शुड नॉट बी एज, आपको वैंकूवर लेना है, आपको टोरंटो लेना है, आपको गूगल में लेना है, आपको ABCD में लेना है, यू नीड जस्ट वन जॉब. हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट, हाउ कैन यू डू बेटर देन द अदर एप्लीकेंट्स ओवर देयर? इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाते हैं एज स्टूडेंट. इतने लोग आ रहे हैं, मैं कहाँ रहूँगा या रहूँगी, मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा? आपको तो अपना सॉल्व करना ना, आपको दुनिया का सॉल्व नहीं करना. सही बात है. आपको 2 crore जॉब नहीं चाहिए इंडिया में, आपको अपनी जॉब, अपनी जॉब चाहिए ना. सही बात है. तो अगर आप उस माइंडसेट से जाएंगे, देन इट्स वेरी फेयरली इजी, राइट. अगर आप दुनिया का भार लेके चलेंगे कि ये है वो है, बाकी लोग देखो लाइन में लगे, जॉब नहीं लग रही उनकी, वो अलग है, आप अलग हो. तो अब अभी बहुत सारे रील्स वायरल होते हैं कि जॉब नहीं है, इतनी सारी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, तो वो लाइक उसकी रियलिटी क्या है, मींस उसके ऊपर लाइक जैसे 20 साल पहले. गुजराती भाई काम करते थे, आप जैसे मैंने वो बोला 10 गुजराती स्टूडेंट आए हुए हैं, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, सबको उस डंकन डोनट्स में जॉब चाहिए, लगेगी सबको 10 की नहीं लगेगी, मे बी 1 की लगेगी, 1 की. अब बाकी 9 कहे देखो मुझे नहीं लगी जॉब, मे बी उनको अलग सिटी जाना पड़ेगा, मे बी उनको ट्रेन लेके जाना पड़ेगा एक घंटा. हाँ, तो दैट्स ओके. तो ये तो हमेशा से हर जगह का अलग
रिक्वायरमेंट है, हर जगह एक डिफरेंट एक्टिविटी है, हर जगह जॉब नहीं होती. सिमिलरली हमारी टीचिंग की जॉब्स निकलती थी. हाँ, जैसे मैं टीए था तो हम पार्ट टाइम टीए भी लेते थे, टीचिंग असिस्टेंट. यस यस. उसमें से अगेन 20 लड़ बच्चों ने अप्लाई किया, दो हमें दो चाहिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस. उसमें वो देखेंगे यार किसी ने अच्छा कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है पहले से, उसने कभी अच्छा अच्छे ग्रेड्स है, पढ़ा सकता है या मार्क कर सकता है. उसको दो को मिल गई, बाकी को नहीं मिली. अब यू कैन नॉट से यार देखो मैं रटगर्स गया और मुझे जॉब नहीं दी रटगर्स वालों ने. सो वो पहले भी सच था, बट अगेन वो दो में तो आप आइए ना. राइट. आप अप्लाई तो करिए ना, घर आके तो कोई जॉब नहीं देगा. घर आके इंडिया में कोई जॉब नहीं दे रहा आपको, आप चाहे आईआईटी से हो चाहे फलाना से हो. तो हर तो 20 साल पहले भी सच था, आज भी सच है. बट हाँ, पहले हमारे पास इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी बेवकूफ़ी की चीज़ें नहीं थी तो पता नहीं चलता था. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन दैट ओनली कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अपना फ्यूचर का डिसीजन इंस्टाग्राम रील से देखते हैं, यूट्यूब के वीडियोज से देखते हैं. तो आप उसमें क्या बोल सकते हो? बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों का काउंसलिंग किया, वो बोलते हैं कि उनका इंटरेस्ट जो है वो रील्स के ऊपर डिपेंड है, सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड है. वो अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अगेन वो सोशल मीडिया का अलग ही टॉपिक, हम अलग से पॉडकास्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे ओपिनियन में. बट मैंने बात शुरू में करी थी कि आपको मेंटर एडवाइजर्स होना बहुत जरूरी है. right. अगर आपको लगता है टिकटॉक आपका एडवाइजर है तो ठीक है. बट अगेन जो यूएस के पढ़ के आए हुए हैं, खुद एमबीए करके आए हुए हैं, वो बात आपको बता रहे हैं जिन्होंने 1000 स्टूडेंट्स प्लस बेच चुके हैं आज तक, उनकी ओपिनियन इंपॉर्टेंट करती है या टिकटॉक इंपॉर्टेंट करती है? तो आपको करना पड़ेगा. सो अगेन आपकी ओपिनियन आपको है. मुझे मैं तो क्लियर हूँ मैं किसकी ओपिनियन लूंगा, जो ऑलरेडी रह चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं या जिन्हों आइडिया है कैसे करना है. राइट. एंड ऑफकोर्स ऐसे नहीं कि 100% वो भी राइट है, बट एटलीस्ट जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है. मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लास्ट देता हूँ. आपको खांसी है जो सही नहीं हो रही है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे या आप टिकटॉक पे देखेंगे ये ले लो? ठीक है, आप टिकटॉक आपने एक बार देख लिया नहीं सही हुई, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप डॉक्टर से पूछेंगे कि आपका रील कैसी थी, आपके रील पे कितने व्यूज आए, तो मैं आप सही हो कि नहीं, या आप उसकी डिग्री देखेंगे. तो हम जब अपने हेल्थ के बारे में या फिर हम किसी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में करेंगे, हम एक एजुकेशन जहाँ पे हम एनीवेटिंग 40 to 60 to 80,000 dollars हम खर्च कर रहे हैं, विच इज आपकी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है प्रॉब्ली आपके पेरेंट्स की आफ्टर देयर हाउस में भी या शादी में भी. शादी में बहुत खर्च करते हैं. लेट्स से थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट आप अननोन लोगों के या चलो नोन इन्फ्लुएंसर के भी नाम पे जो आप नहीं जानते उस पे आप डिपेंड करोगे, ये अपने जो आपके रिश्तेदार है, जानकार है, वो है, मेंटर है, सबकी आप इन्फॉर्मेशन लेके कलेक्ट करके डिसीजन लेंगे. राइट, बिल्कुल सही बात है. सही बात है ना. अगर आपको लास्ट पॉइंट के अगर आपको अगर शादी करनी है, आपके टिकटॉक देख के शादी करते हैं. गुड पॉइंट. अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी देखते हैं कि कौन है, क्या है, घर वाले कैसे क्या है. सही बात है. अगर आप टिकटॉक देख के आपको शादी करनी है तो कर लीजिए. आई एम श्योर सम ऑफ देम आर वेरी गुड. तो मुझे वही लग रहा है कि वी शुड नॉट, हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि मार्केट कैसा है क्या, एंड एजुकेशन स्पेसिफिकली में तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लास्ट पॉइंट ये बोलूंगा, जितने भी जो टिकटॉक बन रहे हैं वो कनाडा और यूएस में तो बन रहे हैं ना. हाँ, इंडिया का तो नहीं बना रहा कोई. हाँ, वो बात भी सही है. यस, कि मैं आगे इंडिया देखो जी बहुत बेकार था, कनाडा में ही तो बैठ के बना रहे हो. आ जाए जिसको प्रॉब्लम है आ जाए. एंड अगेन मैं एग्री कर रहा हूँ कि दे आर प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है. हाँ, हर मैंने कहा तो सब जगह पे 20 साल पहले प्रॉब्लम थी, अभी भी प्रॉब्लम है. अनफॉर्चुनेटली कई बार सेफ्टी की प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज ओके. बट अगर 100,000 to 1,00,000 स्टूडेंट बच्चा जा रहा है इंडिया से, अनफॉर्चुनेटली सम क्राइम हैपेंड, 4, 5, 10 स्टूडेंट गेट अफेक्टेड, वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड. यस, वेरी वेरी सैड. बट परसेंटेज वाइज तो इट इज व्हाट इट इज. व्हाट इज, यस, सेम थिंग कनाडा में भी, इंडिया से 1-1.5 लाख बच्चा जा रहा है, उसमें भी ठीक है 1500 का इशू है, 5000 का इशू, अंडरस्टैंड. बट बाकी 1.25 लाख बच्चा तो ओके ओके, दे आर मैनेजिंग. बिकॉज उनका विजन है कि हमें या तो एक्सपीरियंस लेना है, तो एजुकेशन लेनी है, तो लाइफ बनानी है, वट एवर दे वॉन्ट टू डू. सो डिपेंडिंग ऑन आपका क्राइटेरिया इट इज वॉट इट इज. तो आप इन्फ्लुएंसर्स उसके चक्कर में आई थिंक मूवीज तक ही छोड़ देना चाहिए, उसके बाद तो मूवी देखिए आप शाहरुख खान. बिकॉज मेरे को पता है कि आप फेसबुक में भी नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, तो आई थिंक यू आर कीपिंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम दिस सोशल मीडिया. हाँ, मतलब अगेन मैं ट्विटर पे हूँ बट तो लेकिन हाँ, बट वही मैं कह रहा हूँ कि अगेन आप अगर लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन या फिर अगर आप ट्विटर देख के जो भी देख के कर रहे हैं, देन आई थिंक गुड लक टू यू. वो लक आपके पे 90% आ जाएगा, 10% आपका मेहनत आ जाएगी. आई थिंक लक्ष्य वी शुड रिड्यूस दैट फैक्टर बाय डूइंग अवर रिसर्च, यूजिंग मेंटर्स, यूजिंग ट्रस्टेड एडवाइजर्स, एंड ठीक है देन यू मेक अ डिसीजन, दैट इज ओके, दैट इज अप टू यू. राइट. तो आई थिंक ये तो हमारा कन्वर्सेशन चलता रहेगा. वी कैन हैव अनदर पॉडकास्ट फॉर दैट एज वेल, एज यू ऑलरेडी गिव मी अ टॉपिक फॉर सोशल्स.